साइम ऊपर चला गया है अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखते हैं वो कर पाता है या नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम आप जी वेलकम करते हैं जी आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू व्लॉग में, एक बिल्कुल न्यू दिन में। तो जी आज का दिन शुरू हुए, वैसे तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब शाम हो रही है। तो अब बच्चे जा रहे थे बाहर खेलने के लिए, तो मैंने सोचा अपने हम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में करना मैं कुछ यूँ चाह रही हूँ कि मैं हबी के साथ करूँगी एक प्रैंक साइम के साथ मिलकर, ठीक है? तो देखते हैं जी कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है या हम पकड़े जाते हैं, या फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है मैं हबी का जो हमने प्लान सोचा है। मैंने प्लान कुछ यूँ सोचा है कि साइम को मैं कुछ ऐसे मैं हबी के ख़िलाफ़ कुछ बात कहूँगी, साइम ऊपर जाके बताएगा अपनी मामा को कि चाची ना इस तरह कह रही थी, ठीक है? तो देखते हैं उस बात पे मैं हबी का फिर रिएक्शन क्या होता है। बाकी साथ साथ मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी कि क्या कह रही हूँ मैं साइम से, और साइम जाके क्या करता है, साइम जाके कहता है। उसके बाद मैं हबी से मैं वैसी सिंपल जैसे डेली वीडियो बनाती हूँ ना, उसी तरह वीडियो बनाऊँगी और उनका हम रिएक्शन देखेंगे कि वो मेरे से सही तरह बात करती हैं, वीडियो सही तरह मेरी बात का जवाब देती हैं, यहाँ कमरे में आती हैं या मुझसे वो बात पूछती हैं। तो फिर मैं उनको आपके सामने वीडियो में शेयर करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? देखते हैं हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। ये देखिए सारे बच्चे नीचे आ गए हैं बाहर जाने के लिए। ये देखें अब इतनी शदीद गर्मी है, लेकिन इन्होंने पता नहीं बाहर जाके ना कौन से करना है। और ये हमसे लड़ रहा है, इसको शर्म ही नहीं आती है, लड़ता रहता है हमसे। अब साइमा आ गया है, ये साइमा आ गया है। अब मैं इसको समझाऊंगी इसने कहना क्या ऊपर जाके मामा को, ठीक है ना? तो ये क्या क्या आएगा और आपने आके मुझे बताना है कि मामा का क्या रिएक्शन था इस बात पे, ठीक है ना? तो आपने मामा को कहना ये है जाके कि ना चाची कह रही थी ऐसे नीचे आ जाते हैं तंग करने के लिए, ईसा भी बहुत तंग करता है नीचे आके, ठीक है ना? बैठता ही नहीं है सुकून से। इस तरह कहना आपने मामा को जाके, चाची ऐसे कह रही थी, ठीक है? हंसना नहीं है, स्माइल नहीं होनी चाहिए फेस पे, सीरियस हो के कर लोगे? पहले बताओ कर लोगे? पक्की बात है, पक्की बात है। टीचर से भी किया था, तो बस मामा से आपने कहना है चाची के खिलाफ बोलना है कुछ, ठीक है? और आपने मुझे आके बता देना है कि मैं मामा को ये क्या क्या आया हूँ, ठीक है? क्या कहोगे बताओ कुछ? मामा चाची कह रही थी कि तंग करता रहता है, ऊपर रखती नहीं मामा इसको इसकी, ऐसे करके, ठीक है ना? चाची कह रही थी कि आप उसको ऊपर ही नहीं रखती। हाँ ठीक है ना, ऐसे करके कह देना, ठीक है? तो फिर हम देखेंगे इस पे मामा और आप। ये मामा मुझे ऊपर रख ले तो फिर चुपके से आएगी आके, फिर आपने मुझे बताना है कि क्या मामा कह रही थी, फिर मैं मामा से वीडियो में बनाते हुए ना वैसी फिर आगे मैं कर लूंगी जो करना है, ठीक है ना? सारी प्लानिंग हो गई है सारी साइम की और मेरी। अब देखते हैं ये बच्चा है कर पाता है या नहीं कर पाता, ये भी डिपेंड करता है। और आगे मैं हबी का क्या रिएक्शन होता है ये भी ये आगे मुझे बताएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे उसकी भी, ठीक है ना? इस वीडियो में ना अलिया, साइम और मैं शामिल हूँ बस, ठीक है ना अलिया? लेकिन आपने नीचे रहना है, हम नीचे वीडियो बनाएंगे, ठीक है? साइम भैया हमें जो आके बताएगा हम वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अब ना साइम ऊपर चला गया है अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, देखते हैं वो कर पाता है या नहीं कर पाता। अब हम वेट करेंगे उसका, थोड़ी देर के नीचे आता है वो, फिर हमें बताएगा कि मम्मा का इस बात पर रिएक्शन क्या था। लेट्स सी क्या होता है। ये ऊपर गया था लेकिन मैं ये सारा प्लान खराब कर गया है, मुझे पता था इससे होना कोई नहीं है कुछ भी। हाँ निकम्मे से क्या काम मामा को तुमने जाके? ऐसे कहा मामा ने, ऐसा कहा मामा ने? यार सारा का सारा प्रैंक हमारा खराब, शिट यार कैंसिल हो गया ये प्रैंक। हाँ जी नहीं अब कोई फायदा नहीं है, वो समझ जाएंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अभी तुम चुप रहो, अभी मामा नीचे आती है ना तो हम देखते हैं मामा क्या कहती है, ठीक है ना? अभी हम देखते हैं क्या होता है आगे, मामा का रिएक्शन हम देखते हैं कि वो सच में इसकी बात को उन्होंने सच माना है या मजाक में ले लिया है। यार नहीं बाबा के साथ आज नहीं कर रहे हम, तो फिर देखते हैं अब क्या होता है भाई, वरना कोई नहीं कह रहा दफा करो। चलें जी प्रैंक तो हमारा खराब हो गया, ठीक है? हो गया जी हो गया, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, चाहे वो जो भी रिएक्शन होता है खैर है। मैंने चीज़ लेने भेजा था इनको, ये आ गए और मुझे लगता है मैं अभी ना सच मान गई हैं, थोड़े थोड़े उनके मूड से मुझे लग रहा था। अब देखते हैं हम हेलो हाई करते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या बात करती हैं कि नहीं करती भाई। अच्छा थोड़ा पीछे होके दिखाते हैं, ये तुम लोग मुझसे क्या कह के गए थे, कोका कोला लेनी थी ये टाइम? और जैनब और ईसा की चीज़ लायो? देखो जी अपनी चीज़ लेके आ गए हैं, साइम और ईशा के लेके आए, बहुत बदतमीज है ये लोग। ऐसा मुझे फील हुआ है थोड़ा थोड़ा
इसलिए मैं अभी ने सच मानी है साइम की बात, तो देखते हैं अभी क्या रिएक्शन होता है इसका। बाहर तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अंदर बहुत बुरा हाल है गर्मी से। देखें बहुत थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बाहर पौधे शौधे हिल रहे हैं आज, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है भैया। ऐसे ऐसे टपक रहे हैं पसीने। और जो लेडीज़ ने जो रोटी बनानी होती है ना, जिन लेडीज़ ने बेचारी, हम जैसी लेडीज़ पर बेचारियाँ होती हैं, लोग बहुत बुरी होंगी। मैं बहुत गर्मी गर्मी से हाल ख़राब है मैं अभी का बहुत अच्छा, इसलिए ज़्यादा हाल ख़राब है ख्याल में। मैं अभी ने ना कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दिया लिहाज में कि चलो मैंने ऐसा कह भी दिया तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे का लिहाज करते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का, देवरानी जेठानी वाला मामला नहीं है हमारा। तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अभी हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, फिर हम जाके रिवील करेंगे भाई ये प्रैंक था, ठीक है। उनके रिएक्शन का हम थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम रिवील कर देंगे कि भाई ये प्रैंक था, साइम और मेरा प्लान था। तो देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ जी, तो फाइनली हमें अपने प्रैंक पे रिएक्शन मिला है, मैंने अभी कहा हमें लग रहा था कि शायद चलो शायद उन्होंने सच सच मान लिया है। हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि उन्होंने शायद लिहाज में नहीं बात की होगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने साइम से ये कहा। हाँ, तो ये भी ये हुआ था, साइम ने जाके कहा, मैंने कहा चल मैंने बताया था आके, मैंने कहा कि चाची के कमरे में रहते हैं। हाँ, तो भाई ये हमारा प्रैंक पकड़ा गया है, ये हम प्रैंक सक्सेसफुल नहीं कर सके हम ये प्रैंक अपना। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये मैंने बोल दिया ना किसी और के साथ जाके। हाँ, थोड़ा सा वो बच्चा था ना, कोई बड़ा करता ना तो शायद तो गया, सीरियस ही था। अच्छा, जब मैंने उसे ये बात की ना तो हंस पड़ा गया। अच्छा मामा, देखा हंस पड़ा ना, इस वजह से काम खराब हो गया। दरअसल वो बच्चा था ना, तो चलो उसने कोशिश तो की ना, और हमने भी कोशिश की प्रैंक करने की, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हुआ। चलो लेट नेक्स्ट टाइम कोई और प्रैंक ट्राई करेंगे हम, फिर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। हाँ जी, तो बहुत गर्मी से बुरा हाल है सबका। हमने एक गर्मी में प्रैंक करने की भी कोशिश की जो कि फेल हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो सका हमारा प्रैंक, क्योंकि साइन बच्चा था तो वो वैसे नहीं हम कर सके जैसे हम करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की, ठीक है। लेकिन मैं हैवी को पता लग गया कि झूठ है, ठीक है। अब प्रैंक हम आपने हमारा फेल कर दिया, क्यों वजह? क्योंकि मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, कोई वजह ही होगी चाची ने हमें डांटा। हाँ, बच्चों के पीछे ना लड़ाई नहीं की हमने आज तक, इसलिए ना बच्चों के पीछे लड़ाई होती नहीं। क्या करें फिर हम बताओ, हाँ जी। और गर्मी कैसी है बाहर? मरने वाला हाल है, मैंने किस दिन मरे गर्मी से। ये गई थी ये चीज लेने के लिए, हमने चीज मंगाई इतनी सारी। ये देखें आज पहला दिन है। बहुत गर्म, बहुत गर्मी है लाहौर में, अजीब ही किस्म का हब्स है शदीद वाला। नहा के भी ना ऐसा लगता है जैसे पसीने से ही नहा के आ रहे हैं, बहुत गर्मी है। तो जी हमारा प्रैंक हो गया फेल, और हम अपनी वीडियो को भी अब यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है हमारी ये अनसक्सेसफुल प्रैंक आपको अच्छा लगेगा और हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।